अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इस लेक्चर में 7.3 के जो बाकी क्वेश्चंस हमारे रह गए इंशाल्लाह इस वीडियो में कंप्लीट करके 7.3 कंप्लीट करेंगे। इंशाल्लाह बाकी लेक्चर जो होंगे एक या दो उसमें एग्जांपल्स जो है 7.1, 2, 3 उसको कवर करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी पे आ जाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, 13 में लिखा हुआ है टीम ऑफ 11 इज टू बी चूजन आउट ऑफ 15 क्रिकेटर्स। तो कितने आपके पास क्रिकेटर्स हैं? नंबर ऑफ क्रिकेटर की स्पेलिंग क्या है? हाँ, नंबर ऑफ क्रिकेटर्स 15 है, नंबर ऑफ क्रिकेटर्स टू बी चूजन, कितने हमें चूज करने हैं भाई? 11 करने हैं। Of whom 5 are bowlers, भाई 5 bowlers हैं, तो number of bowlers 5 है, 2 are wicket keeper, तो number of wicket keepers 2 है, और other जो है भाई देखो 5 bowler है, 2 wicket keeper है, 7 हो गए, तो बाकी जो 8 है, 15 टोटल 15 प्लेयर्स है ना, 15 क्रिकेटर्स हैं, उसमें से 7 तो चलो ये हो गए, बाकी 8 क्या है? अदर कह लेते हैं उसमें से ऑलराउंडर हो जाएंगे या कोई बैट्समैन हो जाएगा, उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते, कुछ ना कुछ होंगे वो, ठीक है। ये डेटा गेम है, करना क्या है? लिखा हुआ है इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन सो दैट द टीम कंटेन्स एग्जैक्टली 4 बॉलर्स एंड 1 विकेट कीपर। वो कह रहे हैं कि आपने टीम सेलेक्ट करनी है, किस तरीके से टीम सेलेक्ट होगी जिसमें एग्जैक्टली 4 बॉलर्स हो और 1 विकेट कीपर हो। तो पार्ट क्या है इसका? पहला पार्ट के एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, एग्जैक्टली 4 बॉलर हो एंड 1 विकेट कीपर, ये सबसे पहला पार्ट है, ठीक है। अब हमें एक टीम बनानी है जिसमें एग्जैक्टली 4 बॉलर हो और 1 विकेट कीपर हो, तो ये बहुत सिंपल केस है। ये केस है कि भाई आपके पास कितने प्लेयर्स हैं? टोटल 15 प्लेयर्स हैं, आपको 11 की टीम बनानी है, तो टोटल टीम कितने की बननी है? 11 की बननी है। अच्छा, उस टीम में कितने बॉलर होने चाहिए? उस टीम में 4 बॉलर होने चाहिए, तो नंबर ऑफ वेस कितने होंगे? सबसे पहली बात आप बॉलर्स को सेलेक्ट करो, आपके पास स्टॉक में कितने बॉलर्स हैं? आपके पास टोटल 5 बॉलर्स हैं, 4 आपको सेलेक्ट करने हैं, तो भाई 5 में से 4 सेलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं? 5C4, ये 11 में से 4 खिलाड़ी आपने सेलेक्ट कर लिए। फिर 1 विकेट कीपर आपको चाहिए, कितने विकेट कीपर है? 2, तो 2 में से 1 को सेलेक्ट करने हैं, कितने तरीके हैं? 2C1। अगेन ऑर्डर मैटर नहीं करेगा यहां पे, कॉम्बिनेशन यूज करोगे क्योंकि आपको सेलेक्ट करना है, कोई यहां पे पोजीशन मैटर नहीं हो रही कि यार पहला बॉलर ये है, दूसरा बॉलर ये है, तीसरे बॉलर ये पोजीशन है, कोई कुछ भी नहीं है, बस 4 बॉलर को सेलेक्ट करना है। शाहीन को पहले करो, हारिस रौफ को बाद में करो, हसन अली को बाद में करो, या पहले हसन अली को कर लो, फिर हारिस रौफ को करो, फिर शाहीन को करो, ये सब एक ही बात है, तो परमोटेशन यहां पर यूज नहीं करनी, कॉम्बिनेशन ही यहां पर यूज होगी। अच्छा, तो ये कितने प्लेयर हो गए? 4 बॉलर सेलेक्ट कर लिए, 1 विकेट कीपर सेलेक्ट हो गया, 5 टोटल आपने प्लेयर सेलेक्ट कर लिए, करने कितने थे टोटल? 11 करने थे, इसका मतलब रिमेनिंग कितने? 6 हैं भाई, 5 ये हो गए तो रिमेनिंग कितने? 6 करने आपको, तो जो अदर है ना उसमें से आप कोई भी 6 सेलेक्ट कर लो, 5 बॉलर में से 4 आपने सेलेक्ट कर लिए, 2 में से 1 विकेट कीपर सेलेक्ट कर लिया, टोटल 5 प्लेयर हो गए, 6 प्लेयर मजीद आपको सेलेक्ट करने, तो जो अदर प्लेयर्स थे उनमें से आप 6 जो है उनको सेलेक्ट कर लो। ये सब काम आपको एक साथ करना है, 11 की एक साथ टीम बनानी है, तो प्रोडक्ट प्रिंसिपल कहता है कि आपस में इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद आप एक कैलकुलेटर का काम है। बाय द वे 5C4 जो है ये तो 5 के बराबर ही होता है, 2C1 ये 2 के बराबर ही होगा, और 8C6 जो है आई गेस ये 28 होता है, नहीं देख लेते हैं, हाँ 28 ही है, तो 28 को मल्टीप्लाई करो 2 से, फिर मल्टीप्लाई करो 5 से, तो बच्चों आंसर आ रहा है 280। तो 280 तरीके से आप टीम बना सकते हो जिसमें एग्जैक्टली 4 बॉलर्स होंगे और 1 विकेट कीपर होगा इस कंडीशन के तहत, ठीक है। ये तो पहला पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है? एटलीस्ट 4 बॉलर्स एंड एटलीस्ट 1 विकेट कीपर। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि आपने जो टीम बनानी है उसमें एटलीस्ट 4 बॉलर्स एंड एटलीस्ट 1 विकेट कीपर। भाई पहले तो ये था ना कि एग्जैक्टली 4 थे, लाइक ये जो हमने 280 टीम बनाई है, 280 तरीके से जो भी टीम बनेंगी उसमें एग्जैक्टली 4 बॉलर होंगे, एग्जैक्टली 1 विकेट कीपर होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि इन 280 में से
कोई ऐसी सिलेक्शन होगी जिसमें पांच बॉलर होंगे, नहीं, हमने जो टीम बनाई उसमें एग्जैक्टली चार बॉलर और एक विकेट कीपर होंगे, ये हमने टीम पूरी बनाई है। लेकिन अब सिचुएशन हमने चेंज कर दी, सिचुएशन ये बोली है कि एटलीस्ट चार बॉलर हो, मतलब चार भी हो सकते हैं, कम से कम चार हो, पांच भी हो सकते हैं, छह नहीं हो सकते क्योंकि स्टॉक में आपके पास बॉलर ही कितने, पांच बॉलर है तो छह कैसे सेलेक्ट करोगे, तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम चार, ज्यादा से ज्यादा इस सिचुएशन के मुताबिक पांच ही होंगे। इसी तरह विकेट कीपर भी क्या बोला गया, एटलीस्ट वन विकेट कीपर, कम से कम एक विकेट कीपर हो, ज्यादा से ज्यादा दो भी हो सकते हैं, तीन नहीं हो सकते यहाँ पे क्योंकि विकेट कीपर ही टोटल दो है तो तीन कैसे आप सेलेक्ट करोगे। तो ये मैंने आप लोगों को एटलीस्ट की बात बता दी। अब सिलेक्शन जरा देखते हैं, नंबर ऑफ वेज, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, मिनिमम क्राइटेरिया ये आपके सामने लिखा हुआ है। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि भाई चार मिनिमम बॉलर हो सकते हैं या मिनिमम एक विकेट कीपर, एंड की कंडीशन है कि मिनिमम चार हो बॉलर्स में और मिनिमम एक विकेट कीपर हो, इससे नीचे तो आप जा ही नहीं सकते ना। तो वही सिलेक्शन आपने करनी है कि भाई पांच बॉलर है उसमें से आपने चार सिलेक्ट करने हैं, दो विकेट कीपर है उसमें से एक करने हैं और बाकी रिमेनिंग जो आपको छह सिलेक्ट करने हैं वो आठ में से कर लो, आप उसे मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन सिर्फ ये कंडीशन नहीं है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ज्यादा से ज्यादा पांच बॉलर कर सकते हो, दो विकेट कीपर कर सकते हो। तो आप लिखो भाई मैं पांच बॉलर भी सेलेक्ट कर सकता हूं और मैं दो विकेट कीपर भी सेलेक्ट कर सकता हूं, ये तो एटलीस्ट बोला था ना उन्होंने, ज्यादा ज्यादा मेरी मर्जी, जितने बॉलर से मैं सेलेक्ट कर लूं उनको पांच के पांच को सेलेक्ट कर लूं, दो के दो विकेट कीपर को सेलेक्ट कर लूं। तो अब कितने अभी तक आपने प्लेयर सेलेक्ट किए, पांच दो सात प्लेयर सेलेक्ट करनी है, अब बाकी चार करने हैं, बाकी चार आप इनमें से कर लो, जो आठ बचे हैं बाकी चार आप इनमें से कर लो। कंडीशन ये कि 11 पूरे होने चाहिए, 4 प्लस 11 प्लस 6 11 पूरे हो गए, 5 प्लस 2 प्लस 4 11 पूरे हो गए, प्लेयर आपने पूरे करने हैं, जो कंडीशन है उसके मुताबिक आपने पूरे कर देने, आपका सवाल हो जाएगा। तो सॉल्व करो, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये आपस में ऐड होंगे, क्यों ऐड होंगे, क्योंकि देखो ये दो अलग अलग पॉसिबिलिटी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ये दो एक साथ नहीं हो सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं कि आपकी टीम में कहां से निकल रहा है, शुक्र है शर्ट नहीं निकल, ऐसा नहीं पॉसिबल कि आपकी टीम में चार ही बॉलर हो और साथ साथ पांच बॉलर हो, मतलब इस टीम के मुताबिक चार बॉलर है, इस टीम के मुताबिक पांच बॉलर है, क्या ये एक साथ हो सकता है, नहीं भाई, या तो चार होंगे या पांच होंगे, एक साथ कैसे होगा। इसी तरह ऐसा पॉसिबल है कि आपकी टीम में एक विकेट कीपर हो साथ साथ दो विकेट कीपर हो, नहीं भाई, या तो एक विकेट कीपर होगा या दो विकेट कीपर होंगे, एक साथ नहीं हो सकता कुछ, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आपने क्या किया, ये दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते थे, आपने इनको आपस में ऐड कर दिया। अब आप सॉल्व करो, इसका तो एग्जैक्ट ये आंसर है 280 और इसका आंसर क्या होगा, ये 1 है, ये भी 1 है और 8c4 70, तो ये 70 है, ये 1 है, ये 1 है, मतलब पांच में से पांच चूज करने एक ही तरीका है, दो में से दो करने एक ही तरीका है, 1 × 1 = 1 नहीं होता है, इनको कंसीडर ना करो, 8c4 70 होता है, तो 280 + 70 = 350, 350 ऐसे तरीके हैं जिससे आप टीम्स बना सकते हो, जिन टीम्स में आपके या तो चार बॉलर हैं उनके साथ एक विकेट कीपर या पांच बॉलर हों दो विकेट कीपर। अब यहां पे एक ट्विस्ट है, ये वो चीज है, ये बुक का आंसर है, गाइड्स में भी ऐसे सॉल्व हुआ है, जो हमारे जमाने के टीचर्स हैं सॉल्यूशन निर्भर कॉपी है उन्होंने भी ऐसे सॉल्व किया है, लेकिन अब है थोड़ा ट्विस्ट, ये बुक का तरीका नहीं है जो मैं बताने लगा हूं आप लोगों को, लेकिन आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि यार करेक्ट चीज क्या है यहां पे, ये करेक्ट नहीं है यहां पे, और क्यों करेक्ट नहीं है मैं प्रॉपर रीजन आपको बताता हूं। यहां पे सवाल बोला होता है कि एटलीस्ट चार बॉलर होने चाहिए और साथ साथ एटलीस्ट एक विकेट कीपर होना चाहिए, तो यहां पे पॉसिबिलिटी दो नहीं बनेगी, पॉसिबिलिटी चार बनेंगे, कैसे भाई, मिनिमम बात क्या है कि मिनिमम चार बॉलर हो मिनिमम एक विकेट कीपर हो, ये चीज है मैं रखना चाहिए। तो आपने मिनिमम क्राइटेरिया को फिल किया, चार बॉलर एक विकेट कीपर और बाकी छह जो हैं वो अदर सेलेक्ट कर लिया आपने, ये पहली पॉसिबिलिटी है जो आपने लिखी हुई थी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपने चार ही बॉलर सेलेक्ट किए लेकिन दो विकेट कीपर किए हैं, भाई क्राइटेरिया में तो फुल उतर रहा है ना, एटलीस्ट चार बॉलर, बिल्कुल चार बॉलर, एटलीस्ट वन विकेट कीपर, तो ये उस पर भी पूरा उतर रहा है, कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दो भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, दो मैंने सेलेक्ट किए मैं, तो इस कैटेगरी के मुताबिक ये मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर जो क्राइटेरिया पूरा फेल हो रहा है, तो छह ही हो गए, पांच बाकी अब कर लू। तीसरी पॉसिबिलिटी कि मैं पांच बॉलर करूं और एक विकेट कीपर कर लूं, अभी भी मैं क्राइटेरिया को फुल कर रहा हूं, मैंने कोई इसकी मतलब गलत, मैं इसके खिलाफ नहीं किया, क्यों भाई, एटलीस्ट चार बॉलर है ना, पांच है मतलब कम से कम तो चार होने चाहिए ना, ज्यादा ज्यादा पांच भी हो सकते हैं, और एटलीस्ट वन विकेट कीपर, मैंने वन विकेट कीपर को सेलेक्ट किया, तो 5 + 1 = 6, रिमेनिंग 5 आप अदर में से सेलेक्ट कर लो।
और चौथी पॉसिबिलिटी जो आपके सामने दिखी हुई है कि पांच बॉलर, दो विकेट कीपर और बाकी चार अदर्स। इससे ऊपर कोई हो नहीं सकता क्योंकि आपके पास इससे ज्यादा बॉलर नहीं है, इससे ज्यादा विकेट कीपर नहीं है, आपके पास आखिरी पॉसिबिलिटी। ये चार चीजें हैं, यहां पे आपको चार चीजें ऐड करनी है अगर आप करेक्ट सॉल्यूशन इसका देखोगे। 5C4, 2C1, 8C6 प्लस 5C4, 2C2, 8C5 प्लस 5C5, 2C1, 8C5 प्लस 5C5, 2C2 प्लस 8C4, ठीक है, इंक भरी है जी, पता नहीं क्या हो गया। तो ये चार पॉसिबिलिटी सवाल में होंगी जो मैंने आप लोगों के सामने बना दी है। अब सवाल ये कि टीचर्स ये करवाते क्यों नहीं है, मैंने टीचर से पूछा था, उनका एतराज मैं आपको बता देता हूँ और उस इतराज का मैं बता देता हूँ कि यार वो मतलब गलत बात है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने मुझे बोला था कि यहाँ पे एंड की कंडीशन लिखी हुई है, तो एंड का मतलब ये होता है कि भाई चार बॉलर हो और एक विकेट कीपर हो, या अगर पांच बॉलर है तो उसके साथ दो विकेट कीपर होने चाहिए। लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि चार दो पांच एक, ये नहीं हो सकता, या तो चार एक या पांच दो। वो बोल क्यों रहे थे, क्योंकि दरम्यान में एंड आया है, हालांकि ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। एंड का मतलब ये है, ये स्टेटमेंट में लॉजिक में जो स्टेटमेंट होती है उसमें एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों कंडीशन को आपने फुलफिल करना है एक साथ, किसी एक को भी वायलेट करोगे तो वो स्टेटमेंट ठीक नहीं मानी जाएगी, तो आपने दोनों कंडीशन को एक साथ फिल करना है। अगर आप इन सब पॉसिबिलिटी में देखो, दोनों कंडीशन एक साथ फिल हो रही है, इन सब पॉसिबिलिटी में क्या मैंने इन दोनों स्टेटमेंट में से किसी एक को वायलेट किए? नहीं। हर पॉसिबिलिटी में आप देखोगे एटलीस्ट चार बॉलर है, हर पॉसिबिलिटी में देखोगे एटलीस्ट एक विकेट कीपर है, ये एंड की कंडीशन होती है। तो यहां पर जो एंड है ना, उसका मतलब यह है कि इन दोनों स्टेटमेंट को आपने एक साथ फुलफिल करना है हर पॉसिबिलिटी में। तो इन चार जो पॉसिबिलिटी बन रही है, सब चारों में ये दोनों स्टेटमेंट फुलफिल हो रही है, ये एंड का मकसद है यहां पे। ना कि एंड का मतलब ये नहीं है कि आप बोलोगे चार एक या पांच दो, ये एंड का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अब ये सॉल्यूशन अगर आप ऑनलाइन गूगल पे देखोगे, बाकी सॉल्यूशन देखोगे, तो उसमें यही चीज फॉलो हुई है, लेकिन आपकी बुक ने इसके मुताबिक आंसर निकाला है, टीचर्स भी इसके मुताबिक निकाल रहे हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा पेपर में भी इसी तरह करना यार, क्योंकि अगर इस तरह कर लोगे, चेक करने वाला कोई वो वाला हुआ, अब उसको बैठ के समझाओगे कि क्या किया आपने, तो बेहतर है वो कर लो, दैट्स व्हाई मैंने फेयर में वही करना है। लेकिन जो करेक्ट चीज है, साथ साथ मैंने लॉजिक के साथ आपको पूरी बात बताई है कि मैं क्यों इन चार को सही मानता हूं, एक्चुअल सॉल्यूशन इसका यही होगा स्टेटमेंट के मुताबिक। उसके बाद 14 में लिखा हुआ है, आउट ऑफ 12 पर्संस हाउ मेनी पार्टीज कैन बी फॉर्म्ड, 12 लोग हैं जिसमें से आपने पार्टीज बनानी है, ईच पार्टी टू कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 5। अब ये एटमोस्ट का दूसरा आप कह लो भाई है, नॉट मोर देन 5, एटमोस्ट का भी मतलब होता है ना ज्यादा ज्यादा 5, इसका भी ये मतलब है, नॉट मोर देन 5 के 5 से ज्यादा ना हो, तो 5 से कम हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 की पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। तो सवाल किस तरीके से आप करोगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ पर्सन है आपके पास 12, पार्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 5। ये टूटी फूटी इंग्लिश में आपने बता दिया कि भाई पार्टी में 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। अब जरा टोटल पॉसिबिलिटी निकाल लें यार, देखो अगर आपको बोला जाए 12 लोग हैं, इनके आपने अगर पार्टी बनानी है जिसमें 5 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, तो आपको बोला जाए सिलेक्ट करो भाई, तो किस किस तरीके से आप पार्टी बना सकते हो, 5 से ज्यादा ना हो, 5 तो हो सकते हैं ना, तो आप बोलो यार 12 बंदे, इसमें से मैं 5 सिलेक्ट कर रहा हूं, एक पार्टी आपने बना दी, कोई भी 12 है आपकी मर्जी, 12 में से 5 सिलेक्ट कर लो, आपने एक पार्टी बना ली। दूसरे तरीके से पार्टी बन सकती है कि आप 4 लोगों को करो, भाई 5 से कम भी तो बना सकते हो ना पार्टी, तो 12 आपके सामने है, उसमें से आप किसी भी 4 को सिलेक्ट कर लो, बन गई पार्टी आपकी। फिर एक और पॉसिबिलिटी कि 12 है उसमें से आप 3 सेलेक्ट कर लो, 3 की पार्टी बना लो, कोई इशू नहीं है। रिस्ट्रिक्शन क्या है, 5 से ज्यादा लोगों की पार्टी नहीं होनी चाहिए, 5 से कम हो सकती है बिल्कुल। फिर आप 2 की भी बना सकते हो, 12 में से आपने 2 की बना दी, और 1 की भी बना सकते हो। 1 की वैसे पार्टी बोलनी चाहिए नहीं, मेरे जहन में आ रहा था कि 1 की पार्टी हम बोलते नहीं है, लेकिन जो पार्टी का वर्ड है आप 1 के लिए भी बोल देते हो। फॉर एग्जाम्पल कभी मेरे जहन में फिर इसका सोल्यूशन आया था कि आप कभी बोलते हो ना कि यार अदालत में आप कहीं भी जाके आप बोलते हो ना यार वो पार्टी बड़ी मजबूत है, आप पार्टी में विषय एक बंदा हो लेकिन आप बोल रहे हो यार वो पार्टी बड़ी मजबूत है, या कोई भी आप बात उसके मतलब रिलेटेड बोल देते हो, तो पार्टी 1 की भी हो सकती है, ठीक है। अब 0 की नहीं हो सकती, 0 की पॉसिबिलिटी ना बना देना। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, 1 बंदे की पार्टी हो सकती है, 2 की हो सकती है, 3 की हो सकती है, 4 की हो सकती है, 5 की हो सकती है, लेकिन ये सब कंडीशन एक साथ नहीं हो सकती। या मेरी उर्दू की वर्डिंग पे गौर करना, या 5 बंदों की पार्टी होगी, या 4 बंदों की पार्टी होगी, या 3 बंदों की होगी, या 2 की होगी, या 1 की होगी, और है,
ऐसा पॉसिबल नहीं कि एक पार्टी में पांच लोग हैं और आप बोलो इस पार्टी में तीन लोग हैं, ये कैसे पॉसिबल है भाई? या तो पांच है या तीन होंगे, ये तो नहीं बोलोगे पांच ही लोग हैं, दूसरा बोलेगा नहीं तीन लोग हैं, आप बोलोगे भाई वो अंधा है नजर नहीं आ रहा उसको यार, पांच बंदे खड़े हैं वो तीन बोल रहे हैं, सही है? तो एक वक्त ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो आप सॉल्यूशन पे आ जाओ, नंबर ऑफ वेज क्या हो सकते हैं? नंबर ऑफ वेज ये हो सकते हैं कि अगर आप आप अगर बताना चाहो तो हमको बता सकते हो, आप लिख दो ये बात कि पार्टी मे बी कंसिस्ट्स ऑफ वन और टू और थ्री और फोर और फाइव पर्सन। मेरी इंग्लिश यार बहुत ही वीक है, मैथ में इंग्लिश वीक ही है, कोई जरूरत नहीं है आपको अच्छी ग्रामर लिखने की, बस आपने जो चेक करा उसको बता दिए कि ये पॉसिबिलिटीज बता दी कि यार पार्टी एक बंदे की भी हो सकती है, दो की भी हो सकती है, तीन चार पांच और की कंडीशन आपने बता दी है, ये और ओ आर वाला है। तो उसके बाद फिर आप क्या करो, अब नंबर ऑफ वेज लिख दो, जब आप ये एक्सप्लेन कर दो अब बात समझ आ गई है कि यार नहीं बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब आप नंबर ऑफ वेज निकाल दो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक की पार्टी बनाना चाह रहे हो तो भाई 12 लोग हैं, 12 में से किसी भी एक को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दो की बनाना चाह रहे हो तो 12 में से कोई भी दो सिलेक्ट कर लो। अभी एक वक्त कंडीशन नहीं है क्या, 12 की आपने एक बना दी पीछे 11 बंदे बन गए, अब 11 में से दो करना है, ऐसा नहीं होना, ये अलग अलग बात की जा रही है, या तो एक की हो या दो की हो। तो दूसरी कंडीशन में आपने बोल दिया, अगर आपने तीन सेलेक्ट करने आप लिख सकते हो 12C3, चार की बनानी है 12C4, पांच की बनानी है 12C5, ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, डिसजॉइंट हैं सेट सारे, दैट्स व्हाई आप इनको आपस में ऐड कर दोगे। तो 12C1 का तो आंसर 12 ही होगा, उसके बाद के जो आंसर है वो बेहतर हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, टाइम बच जाएगा। 12C2 अल्लाह भला करे आप लोगों का होगा 66, अच्छा जी 12C3 जो है ये हो जाएगा 220, 12C4 जो है वो हो जाएगा 495 और 12C5 ये हो जाएगा 792। तो 792 प्लस 495 प्लस 220 प्लस 66 प्लस 12, तो बच्चों ये आंसर आ रहा है 1585। इतनी पार्टीज, इतने तरीके से आप पार्टीज बना सकते हो, डेफिनेटली बंदे अलग है ना, ये जो 12 पॉसिबिलिटी है इसका मतलब 12 में से कोई भी आपने सेलेक्ट कर लिया, 12 में से दो सिलेक्शन आपको करनी है, तो 66 तरीके हैं इस तरीके के, तो इन सबको आप ऐड करो तो 1585 तरीके से आप पार्टी बना सकते हो, जिसमें या कोई एक होगा, या जिसमें दो बंदे होंगे, या जिसमें तीन होंगे, या जिसमें चार होंगे, या जिसमें पांच होंगे। तो ये जो बच्चों सॉल्यूशन है वो आप लोगों के सामने मैंने कर दिया है। तो अब अगले सवाल पे आते हैं, हम देखते हैं अगला सवाल छोटा ही है, यहां पे हो जाएगा 15। क्या लिखा है 15 में भाई? 15 में लिखा हुआ है देयर आर 10 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है भाई? नंबर ऑफ बॉल्स 10 है। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट 7 ऑफ देम सो एज टू इंक्लूड द रेड बॉल? वो कह रहे हैं पहली पॉसिबिलिटी क्या है, इंक्लूड रेड बॉल। एक सेकेंड, इन हाउ मेनी सिलेक्शन लिख देते ना, नंबर ऑफ बॉल्स टू बी सिलेक्टेड 7, नंबर ऑफ बॉल्स टू बी सिलेक्टेड, कितनी बॉल्स आपने सेलेक्ट करनी है, 7 बॉल सेलेक्ट करनी है। तो जब आप सॉल्यूशन पे आओगे तो पार्ट वन इसका क्या है, इंक्लूड रेड बॉल, कि आपने हर सिलेक्शन में रेड बॉल तो करनी ही करनी है इंक्लूड, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो आप 7 सेलेक्ट कर रहे हो उसमें रेड बॉल लाजमी होनी चाहिए। अब 10 डिफरेंट बॉल है, कंसिडर कलर, रेड होगी, एक येलो होगी, एक व्हाइट, ग्रीन, कुछ भी डिफरेंट कलर कर लो, उसमें रेड लाजमी है। अब वो बोलने के रेड तो होनी होनी चाहिए, उसमें तो कुछ शक ही नहीं है, रेड लाजमी होगी। तो आप नंबर ऑफ वेज किस तरह निकालोगे भाई? इस सवाल का एक मेथड तो ये है कि आप क्या करो भाई, एक बॉल रेड आपने लाजमी सेलेक्ट करनी है, तो 10 में से रेड को निकाल दो, पीछे 9 बॉल बचेंगे। अब 9 में से बाकी 6 सेलेक्ट कर लो, क्योंकि टोटल 7 सेलेक्ट करनी थी ना, रेड तो आपने सेलेक्ट कर ली है, अब जो पीछे 9 बॉल बची है उसमें से कोई और 6 सेलेक्ट कर लो। इस तरह भी आप कर सकते हो, या इस सवाल को इस तरह भी समझ सकते हो कि आपके पास 10 बॉल में एक रेड बॉल है और वही आपको लाजमी सेलेक्ट करनी है, तो क्या हो जाएगा 1C1 भाई, एक रेड बॉल है उसमें से वही आपको सेलेक्ट करनी है, एक ही पॉसिबिलिटी है, और 7 बाकी 6 कौन सी करनी है, पीछे 9 बॉल बची है, 9 में से कोई भी 6 कर लो, ठीक है। 10 में से एक रेड बॉल थी, एक रेड बॉल को अगर सेलेक्ट करना है, मतलब एक ही रेड बॉल है और वही सेलेक्ट करनी है,
तो वन सी वन मतलब आंसर वन ही आएगा। और पीछे जो 9 बॉल है उसमें से आपने बाकी कितने सेलेक्ट करनी है 6, क्योंकि टोटल 7 सेलेक्ट करनी थी, 1 और 6 ये आपके टोटल 7 बॉल सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस पूरी चीज का आंसर जो है 1 हो जाएगा। और 9C6 का आंसर क्या होगा, 9C6 का आंसर हो जाएगा 84। सॉल्व करो, 84 नंबर ऑफ वेज है, ये ऐसे नंबर ऑफ वेज है जिसमें रेड बॉल लाजमी होगी और बाकी 6 कोई और डिफरेंट बॉल्स होंगी, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में बोला हुआ है टू एक्सक्लूड द व्हाइट एंड द ब्लैक बॉल, वो कह रहे हैं पार्ट 2 में कि एक्सक्लूड कर दो ब्लैक एंड व्हाइट बॉल को, दो बॉल्स को आपने एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। अब देखो 10 बॉल थी, उसमें से एक ब्लैक होगी एक व्हाइट होगी, उसको आपने निकाल देना है। तो एक ब्लैक एक व्हाइट को आपने अलग कर दिया। अब पीछे कितनी बॉल है, 8 बॉल है, 8 में से कितने सेलेक्ट करनी थी, सेलेक्ट तो आपको साथ ही करनी है ना। पहले वाले में था कि रेड को लास्ट में सेलेक्ट करो तो बाकी 6 आपने कोई और सेलेक्ट कर लिया, टोटल 7 बॉल सेलेक्ट करनी है। अब उन्होंने बोला कि व्हाइट और ब्लैक को साइड पे कर दो, कंसीडर करो आपके पास एक टब है या बास्केट है जिसके अंदर 10 डिफरेंट कलर की बॉल है, उसमें से आपको बोल रहे हैं कि भाई ब्लैक और व्हाइट सेलेक्ट नहीं करनी है, उनको निकाल दो एक्सक्लूड कर दो। तो आपने टब में से ब्लैक और व्हाइट को उठा के बाहर फेंक दिया। अब टब के अंदर कितनी है, 8 बॉल्स है, 8 में से कोई भी 7 सेलेक्ट करनी है आपको। तो अब नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज 8 बची है, 8 में से आपको 7 सेलेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 8C7 जो के बराबर होगा, आई गेस 8 के बराबर होना चाहिए ना, या मैं कंफर्म कर लेता हूं, 8 के बराबर ही होना चाहिए ना, 8C7 हाँ। तो नंबर ऑफ वेज यहां पे कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है बच्चों।